महाराष्ट्र के दो जिलों का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है। कल उद्धव कैबिनेट की आखिरी बैठक में उस्मानाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद के नाम के धारशिव रखे जाने का फैसला हुआ है। अब इसी मुद्दे पर आज थोड़ी ही देर में कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम विधायक इस फैसले का विरोध करेंगे। आपको ध्यान होगा कि कल जो आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें से वर्षा गायकवाड़ और एक और कांग्रेस के विधायक मंत्री इस बैठक से बाहर निकल गए थे और उसके पीछे कारण भी यही बताया जा रहा था कि ये जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया, संभाजीनगर और धाराशिव किया गया, इस बात से कांग्रेस में बहुत नाराजगी है। कल की बैठक से असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ इसी मुद्दे पर वॉकआउट कर चुके थे, लेकिन ये उद्धव ठाकरे का आखिरी हिंदुत्व कार्ड था, वरना एक तरीके का सवाल उन पर खड़ा होता कि मुख्यमंत्री भी बने, उनके हाथ में चार्ज भी आया, उसके बावजूद जो ये बड़े बदलाव उनको करने चाहिए थे, जो हिंदुत्व के कार्ड को और मजबूत करते, वो उन्होंने नहीं किया। उस्मानाबाद का नाम बदलने पर ओबीसी की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने उद्धव ठाकरे पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। इम्तियाज जलील ने कहा कि कुर्सी जाते देख उद्धव को नाम बदलने की याद आ गई। कल के फ्लोर टेस्ट से पहले जब इनको ये समझ में आने लगा कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारी कुर्सी जा रही है, दोबारा अब हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाते जाते इन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले जो घोषणा की गई थी, इसको सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाते रहे, राजनीति का मुद्दा बनाते रहे, और जब अपनी कुर्सी सरकने लगी तो इन्होंने आज ये फैसला लिया है। मैं उद्धव साहब को, शिवसेना को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं, और जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करके आप जा रहे हैं। उसमें औरंगाबाद की जनता ये तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा करके। दूसरा हमारा ये कहना है आपसे कि आखिर आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप जाते जाते ये कहते कि मैं औरंगाबाद के पानी की समस्या हल करके जा रहा हूँ, औरंगाबाद में जो 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी मिलता है, जो आपकी वजह से उद्धव ठाकरे साहब, आपके और आपके पार्टी के यहाँ के नेताओं ने जो पिछले 25-30 सालों से सिर्फ लोगों को लूटने का खाने का काम किया है, और आज वो जश्न मना रहे हैं, वहाँ पर नाच रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है, अब इसके बाद कौन सा मुद्दा लेकर अब नाचने वाले हैं। जितनी नाराजगी इम्तियाज जलील अभी दिखा रहे हैं, उतनी नाराजगी अगर सरकार जब उद्धव ठाकरे की थी तब दिखा देते तो हो सकता है ये पानी की समस्या भी दूर हो जाती। बहरहाल, राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। तो कांग्रेस की रणनीति क्या है? इम्तियाज जलील को तो हमने देख लिया, एआईएमआईएम तो अपने स्टैंड पर बड़ी क्लियर है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या है, वो इस मुद्दे को कैसे उठाएगी? देखिए, कांग्रेस भी एक रणनीति बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि जो उस्मानाबाद जिला है और औरंगाबाद जिला है, ये माइनॉरिटी बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर माइनॉरिटी बड़ी संख्या में रहते हैं, और कांग्रेस की पूरी राजनीति है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के इर्द गिर्द होती है। ऐसे में कांग्रेस इस चीज़ का शुरुआत से ही विरोध करती रही, और इसीलिए जब कल ये प्रस्ताव लाया गया कैबिनेट में, उस वक्त कांग्रेस के जो दो नेता थे, मंत्री थे, वो कैबिनेट की मीटिंग से निकलकर बाहर चले गए थे। बाहर निकलने के बाद में कांग्रेस के नेताओं ने यह भी बयान दिया कि वो पुणे का भी नाम बदलना चाहते हैं, पुणे का नाम क्या रखा जाए उसके लिए उन्होंने एक नाम भी सुझाया। हालांकि पुणे के नाम को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर कैबिनेट मीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जाहिर बात है कि अगर विरोध करना था तो कैबिनेट की मीटिंग में करते, तो ये प्रस्ताव शायद पास नहीं होता, लेकिन चूंकि उन्हें भी पता था कि उन्हें जमीन पर यह विरोध दिखाना है, कैबिनेट के अंदर कुछ और हुआ, अब बाहर कुछ और होना है, क्योंकि कांग्रेस को भी अपनी राजनीति बनाए रखनी है और शिवसेना को भी अपनी राजनीति बनाए रखनी है, और जिस तरह से इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस ऐसे में कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, ये तीनों दल सत्ता से भले चले गए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी तीनों दल एक साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं, तो सबको राजीव बिल्कुल महाविकास अघाड़ी की आप लगातार बात कर रहे हैं, हालांकि विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिला कांग्रेस का, लेकिन अभी भी एक साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें, जो विन विन सिचुएशन में अब पहुंच चुकी है, और देवेंद्र फडणवीस के घर पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, तो हमें वहां का भी थोड़ा अपडेट दीजिए, कौन कौन पहुंच रहा है, कितने बजे बैठक शुरू होगी, और फिलहाल क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, फडणवीस के बंगले पर आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जितने भी बड़े नेता हैं सब एक एक करके वहां पर पहुंचने की शुरुआत हो रही है। आशीष सेलार हैं, प्रसाद लाड हैं, इसके अलावा चंद्रकांत दादा पाटिल हैं। चूंकि तमाम जो बड़े नेता थे वो मुंबई में ही मौजूद थे, कल हमने तस्वीरें भी देखी थी किस तरह से बीजेपी के नेता सेलिब्रेट कर रहे थे। अब आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि बीजेपी जो है सरकार बनाने का दावा फिलहाल आज नहीं पेश करेगी, और उसके पीछे वजह है क्योंकि शिंदे ग्रुप जो है, जो उनके साथ में तमाम बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो आज अभी तक मुंबई कब तक आ रहे हैं वो रणनीति। अब देखिए, बागी जैसी कोई बात रही नहीं राजीव, अब तो आप ये कहें कि एक शिंदे सेना है और एक उद्धव सेना है। अब शिंदे सेना जब लौटती है तो उनके विधायकों में से कितनों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। राजीव आप भी रहिएगा हमारे साथ, पवन आप भी बने रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।